यहाँ पे मेरे पास एक डाटा दिया गया है जिसमें हम क्या लिखाने वाले हैं, बर्थ कैलेंडर है जिसमें हम रोहित की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, आकाश की डेट ऑफ बर्थ है। तो इसमें हम ये जानेंगे टोटल डेज कितने हैं, टोटल मंथ्स कितने हैं, टोटल ईयर कितने हैं, टोटल मंथ्स मतलब कि अब तक कितने मंथ्स हो चुके हैं, कितने दिन हो चुके हैं, कितनी एज हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमको डे किस फॉर्मूले से निकालना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है कौन सा, इक्वल टैक्स फॉर्मूला। इस टैक्स फॉर्मूले से हम इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डेज निकालेंगे। आपको क्या करना है, इक्वल TEXT टैक्स लगाना है, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, इन्वर्टेड कॉमा को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको 4 टाइम्स DD लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर कर दोगे यहाँ पे ये डाटा आ गया, और इस पर डबल क्लिक करके ड्रैग कर दोगे, इन सभी की डेट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे इनका डे निकल कर आ चुका है। अब हम बात करते हैं मंथ्स किस तरीके से निकाला जाएगा। मंथ्स निकालने के लिए आपको नॉर्मल इक्वल TEXT लगाना है। टैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है, इन्वर्टेड कॉमा करना है, 4 टाइम्स आपको MMM लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, देन एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करोगे इनका मंथ निकल कर आ जाएगा, और आप ड्रैग कर दोगे तो इन सभी का मंथ निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 8-8 दे रखा है, अगर मैं चेंज करके दिखाऊँ, मैं यहाँ पे 9 डाल दूँ तो ये चेंज हो चुका है, देख सकते हो डे भी चेंज हो गया है और मंथ भी चेंज हो गया है। अब हम बात करते हैं ईयर की। ईयर रैंडम वैसे हमको दिखाई दे रहा है, बाय चांस हमारे पास ऐसी डेट ना हो के हम Ctrl 1 से इसका फॉर्मेट चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नॉर्मल कुछ इस तरीके की डेट को ले लूँ, मान लो डेट का फॉर्मेट ये वाला ले लेते हैं, चलो ये फॉर्मेट ले लेते हैं। तो इसमें हम ये समझ में नहीं आ रहा है 00 है क्या, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इक्वल TEXT लगाना है, टैक्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा, और 4 टाइम्स या 3 टाइम्स भी इसमें चलेगा, देन एंटर कर दोगे इसका निकल कर आ जाएगा ये कौन सा ईयर है। आप ड्रैग कर दोगे इन सभी के ईयर निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं टोटल मंथ्स कितने हो गए हैं, मतलब कि जो डेट है आज के डेट के अकॉर्डिंग कितने महीने हो चुके हैं इनको। तो इक्वल यहाँ पे लगाना है आपको डेटेड, इफ ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इनकी डेट ऑफ बर्थ को, कॉमा देना है, और यहाँ पे लगाना है टुडे। टुडे मतलब आज के दिन के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पे आपने डालना है एम, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे इनके टोटल मंथ्स निकल के आ चुके हैं, आज की डेट के अकॉर्डिंग इतने महीने हो चुके हैं, इन सभी के मैंने ड्रैग करके निकाल दिए। अब मैं बताता हूँ बिना ड्रैग करे भी आप किस तरीके से सभी के निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लगाना है इक्वल। अब हम इनके क्या निकाल रहे हैं, डे, अब तक के कितने दिन हो चुके हैं हम वो पता करेंगे। तो हमने क्या लगाया डे पता करने के लिए, इक्वल यहाँ पे लगाया डेटेड, इफ ब्रैकेट आपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कॉमा देना है, और फिर से लिखना है आपको टुडे। टुडे क्योंकि आज की डेट के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ डी, इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर। जैसे ही प्रेस करता हूँ इन सभी के दिन एक ही साथ निकल कर आ जाएंगे। अब बात करते हैं एज की, कि कितनी एज हो चुकी है इनकी, वो निकालना है। तो सबसे पहले मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया और लगाया इक्वल DATEDIF डेटेड, इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे प्रेस करना है वाई, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर, जिससे इन सभी की एज निकल कर आ जाए।